नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप पीड़ित लोगों की समस्या के समाधान के लिए तहसील एवं थानों पर समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इस समाधान दिवस में सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पीड़ित लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए मौजूद रहते हैं। इसी उपलक्ष्य में छाता तहसील के सभागार में उप जिलाधिकारी छाता श्वेता की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें कुल 54 शिकायतें लेकर फरियादी पहुंचे। उप जिलाधिकारी छाता ने बताया कि ज्यादातर शिकायतें भूमि विवाद से आई हैं, जिसमें 18 शिकायतें राजस्व से, 16 शिकायतें पुलिस विभाग से और बाकी अन्य विभाग से शिकायतें आई हैं। इसमें से 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। बाकी शिकायतों के लिए लेखपाल एसओ की टीम गठित कर विधिवत जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी। छाता से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। मेरा नाम लागन सिंह। क्या समस्या है जो तहसील में? मेरी समस्या ये है कि मेरे गांव में करेला गांव है, मेरा गांव का नाम, और मंदिर के पास में तालाब है, उस पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। करेला गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो तालाब है, उस पर कब्जा किया जा रहा है? हाँ जी। कौन है वो जो कब्जा कर रहे हैं? कब्जा कर रहा है गोविंदा पुत्र चन्नी, एक ही व्यक्ति और उसके साथ में और भी हैं। वो कितना बड़ा तालाब है? तालाब काफी, मतलब 3-4 एकड़ का तालाब है, उसमें जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। 3-4 एकड़ का तालाब है, इस संबंध में आपने ग्राम प्रधान पटवारी तो उसमें पैसा लेके गेट वगैरह जबरदस्ती कब्जा करवा रहा है। क्या नाम है पटवारी का? पटवारी का नाम प्रियांशु है। हाँ, करीबन उसने 1-1.5 लाख रुपए लेके उस पर जबरदस्ती कब्जा, बाउंड्री वगैरह और गेट वगैरह सारा कुछ चढ़वाया है उसने। हाँ जी। हाँ, कब से चल रहा है? हाँ, इसका 1-1.5 महीने हो गया इसको। मैंने तहसील में भी शिकायत की थी, डीएम साहब के पास में भी और एसडीएम जी के पास में भी की, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने बोला है कि जांच कराएंगे, पर 2-4 बार पहले भी बोल चुके हैं कि जांच कराएंगे, पर अभी तक कोई जांच नहीं। किससे कराएंगे? जो आप बता रहे हैं लेखपाल ने पैसा लेकर के उस पर कब्जा कराया है, वही लेखपाल जांच के लिए जाएगा? हाँ, वही जाएगा, फिर दोबारा से वो अपने ऐसे ही लगा देगा, जांच ढंग से करते नहीं, रिपोर्ट गलत लगा देते हैं और ना कि जांच वगैरह कुछ नहीं करते। कब्जा हो गया तो हो जाने दो, कोई बात नहीं। सभी हुआ तो पीछा छोड़ दें, कल को और किसी पे करेंगे, आज तालाब पे किया है। चलवाने वाले प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और वो ही इनको कब्जा कराते हैं, आप क्यों शिकायत कर रहे हैं? साहब, इनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए कि आज तालाब पे कर रहे हैं। तालाब ये उसमें भी है, नक्शे वगैरह में जो भी है बोलते हैं कि हमारी इसमें 8 बरस गज जगह है। अरे भाई, ये ना ये प्रशासनिक अधिकारी है, ये लेखपाल जो आप शिकायत कर रहे हैं वो आपकी शिकायत करेगा, आपको ही फर्जी साबित कर देगा। तो फर्जी कैसे करेगा जी? अधिकारी जांच करें और उसको मौके पे जाकर देखें, तालाब ना हो तो फिर मेरे खिलाफ। उस लेखपाल से संतुष्ट नहीं है? हम संतुष्ट नहीं हैं लेखपाल। जा रहे हैं जाँच के लिए, तो किसी दूसरे अधिकारी को भेजें उधर। लगता है आपकी ये समस्या तालाब की खत्म हो जाएगी जल्दी? हो सकता है कि दूसरे कोई लेखपाल वगैरह और कोई अधिकारी बढ़े जाए तो हो जाएगी शायद। मैडम बताइए, आज तहसील दिवस कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितने निस्तारण हुए? आज तहसील दिवस में 54 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 18 शिकायतें राजस्व संबंधित थी, 16 शिकायतें पुलिस संबंधित थी और बाकी शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित थी और 2 का निस्तारण हुआ है। मैडम, देखने में आ रहा है कि शासन की मंशा के अनुरूप तुरंत फरियादी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, फरियादी बार बार तहसील के चक्कर लगा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसा नहीं है, जो भी तहसील दिवस में आते हैं तो क्योंकि तहसील दिवस मनाए जो उसकी मंशा है वही यही है कि वहीं पे उसको तत्काल समाधान मिले, और अगर उसकी प्रक्रिया लंबी है तो क्योंकि वहाँ सभी अधिकारी मौजूद होते हैं, सभी विभागों से अधिकारी होते हैं, तो उसका हल 7 दिन के अंदर हो जाए, अधिकतर 15 दिन के अंदर हो जाए। तो इसी मंशा से सब काम कर रहे हैं और सभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत ही कम होते हैं जिसमें जो प्रार्थी होता है वो संतुष्ट नहीं होता है या फिर उसे पता नहीं होता है कि
कि ये प्रक्रिया जो है कोर्ट के माध्यम से होनी है या सिविल कोर्ट का मैटर चल रहा होता है, तो इस तरह के वाले ही प्रार्थी ज़्यादातर रिपीटेड पाते हैं। आज एक मामला आया है तालाब को लेकर ग्राम करैला से, तो उसमें लेखपाल पर भी कुछ आरोप लग रहे हैं, आपके संज्ञान में आया गया मामला, क्या कुछ कहेंगे आप? करैला में अगर तालाब के कब्जे से रिलेटेड बात हो रही है, तो हम तहसील में जितने भी तालाब हैं हम एक मिशन चला के सभी तालाबों को कब्जा मुक्त करवाएंगे, और उनका वीडियो की सहायता से, सभी वीडियो साहब की सहायता से उसकी मेडबंदी करा के उसका सौंदर्यकरण करेंगे। तो इसका हम एक जैसे ही हम फसल सर्वे संपूर्ण करते हैं उसके बाद एक हम लगातार एक अभियान चलाएंगे 15 दिन का, तो उसी में सभी गांवों को भी टेकअप करेंगे और करैला का भी टेकअप करेंगे, और उसमें जो जिसने भी गलत कार्रवाई करी है या किसी का भी अवैध कब्जा है उसको हटा के उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है वो करेंगे। मैडम मौके पर आज कितनी शिकायतों में निस्तारण किया गया है? आज 2 शिकायतें। मैडम एक समस्या और है, जैसे ये छाता में सिनेमा हॉल है उसके सामने कॉलोनी नई आबादी बसी हुई है और उसमें लगभग 8 दिन से जो है जल भराव है मैडम, और अभी तक छाता चेयरमैन द्वारा वो पानी निकासी कोई सुविधा नहीं की गई है, 8 दिन से बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ग्रामीण जो है इस समय ये मैप पीछे खड़ी हुई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहाँ भी जल भराव है डीएम सर द्वारा भी सभी को वीडियोस को आदेशित कर दिया गया है, हमने वीडियोस को आदेशित किया है और ईओस को भी कहा है जहाँ भी जल भराव है वहाँ पंचायत निधि से जो पंप लगा के, मोटर पंप लगा के जल को निकासी का प्रयास किया जाए। कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ सिर्फ पंप के माध्यम से नहीं किया जा सकता, जैसे कल भी मेरे संज्ञान में रूपनगर का मामला आया था, वहाँ पे बहुत हाई लेवल का जल भराव है, तो वहाँ पे टेम्प्ररी बेसिस पे नाली बना के और जो नहर तक जाती हो वो प्रधान के साथ मदद लेके उसकी नाली निकाल के और फिर उसके बाद जल को निकासी करके फिर अगर वो नाली की आवश्यकता नहीं है तो उसको क्लोज करवाने की प्रक्रिया ये सब हो रही है, और अगर ऐसा है जो नगर पंचायत के माध्यम से होना है वहाँ पे ईओ को डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। सर तहसील दिवस में कितनी शिकायत प्राप्त हुई और कितने का निस्तारण हुआ? आज थाना यहाँ छाता तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है और यहाँ पर कुल 54 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 17 पुलिस विभाग से संबंधित हैं, सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित। सर पहले भी जो लंबी शिकायतें हैं पुलिस विभाग की, वो पहले की लंबी शिकायतें को समाधान किया जा चुका है तथा जिन शिकायतों में प्रार्थी असंतुष्ट हैं उनकी फिर से प्रार्थना पत्र की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।